नमस्कार, आज हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स से। हमें प्रूफ करना है कि ये बेसिकली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। रूट आयोटा का पावर रूट आयोटा ई पावर माइनस अल्फा सिस अल्फा। अब इसे आप प्रिंटिंग मिस्टेक ना समझे, वैसे तो अभी प्रिंट नहीं हुआ, फिर भी ध्यान से देखें क्योंकि ज़्यादातर हम ध्यान नहीं देते हैं इस एक्सप्रेशन पे। ये बेसिकली हमारे पास सिस अल्फा या सिस एक्स अगर देखे तो वो होता है कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड अगर कुछ बातें देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस आयोटा बी, या फिर ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्म में लिखना चाहे या उसको हम पोलर फॉर्म बोलते हैं तो आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, या इसी को यूलर फॉर्म में आर ई पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं। तीनों में से किसी फॉर्म में मैं लिख सकता हूं, जहां पे आर है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज योर मैग्नीट्यूड, ठीक है। और डिमोवियर थ्योरम के बारे में भी अगर थोड़ा जानकारी दूं कि आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अगर है तो अगर जेड का पावर एन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। कॉस का जो एंगल है ना वहां पे एन से मल्टीप्लाई, दैट इज जो भी पावर आप करेंगे उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम पावर साइन के साथ भी आएगा। तो इन सब इंफॉर्मेशन और कुछ लॉग का प्रॉपर्टी जो कि हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, रूट आई का पावर रूट आई निकाल, रूट आई का पावर रूट आई। लॉग का एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा कि ए का पावर लॉग एक्स टू द बेस है, मतलब यहां और यहां अगर सेम चीज हो तो एक्स उतर जाता है। तो इसको भी हम ई के पावर में लॉग बेस ई ही है रूट आयोटा का पावर रूट आयोटा तो लिख ही सकते हैं, ये वापस यही दे देगा रूट आयोटा का पावर। लॉग का एक और प्रॉपर्टी ध्यान में रखें कि लॉग एक्स का पावर एन अगर है और बेस में ए है, एन सामने आ जाता है और हमारे पास हो जाता है एन लॉग एक्स टू द बेस ई। दैट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज ई का पावर रूट आयोटा सामने आ जाएगा, हमारे पास बचेगा लॉग रूट आयोटा। अब हम ई के पावर में जो है उसे पहले ध्यान से देखते हैं, इसको इक्वेशन वन मान के छोड़ देते हैं, आगे वापस इस पे आएंगे। अभी एनालिसिस करते हैं रूट आयोटा लॉग रूट आयोटा। तो रूट आयोटा को हम आयोटा का पावर हाफ लिख सकते हैं, सिमिलरली यहां भी आयोटा का पावर हाफ, फिर से लॉग में कुछ पावर आया तो सामने लिख देते हैं उसको। अच्छा, आयोटा को क्या लिख सकते हैं, आयोटा को क्या हम जीरो प्लस वन टाइम्स आयोटा लिख सकते हैं ए प्लस आई बी फॉर्म में। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर देखे तो जीरो स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर दैट इज वन। तो इसको दोनों फॉर्म में लिख लेते हैं, क्या लिख सकते हैं, वन कॉस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन बाई पाई बाई टू, ये तो पोलर फॉर्म हो गया, और वन ई पावर आयोटा पाई बाई टू ये दूसरा फॉर्म हो गया। तो पहला फॉर्म अगर यहां पे अगर यूज करें तो लिख क्या सकते हैं हम इसे, तो आई का पावर वन बाई टू को हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू, पावर हाफ तो है ही, और ये सिंपली हो गया लॉग आयोटा। अब इसे भी आप कॉस पाई बाई टू प्लस साइन आयोटा साइन पाई बाई टू, लेकिन क्योंकि लॉग है तो ये वाला फॉर्म हम प्रेफर करेंगे लिखने के लिए, क्योंकि सिंप्लीफाई होने का चांस इसमें ज़्यादा है, क्योंकि ये आयोटा पाई बाई टू लॉग के अंदर जो है उसके पावर में है एक्स पावर एन टाइप को, तो ये कुछ सामने आ जाएगा पूरा चीज उठ के। दैट मीन्स हाफ पहले से था और यहां से आयोटा पाई बाई टू सामने आ जाएगा। यहां पे डी मोवियर्स थ्योरम लगा लेंगे जो कि ये है,
ये वाला कि अगर पावर करेंगे तो एंगल में वो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो पाई बाई टू है तो एंगल में हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा कॉस पाई बाई फोर प्लस आयोटा साइन पाई बाई फोर, और इधर क्या हो जाएगा, ये तो सामने आ गया, लॉग ई टू द बेस ई बच गया, अब वो तो वन होता है क्योंकि हमें पता है लॉग का एक और प्रॉपर्टी कि लॉग ए टू द बेस ए वन होता है, ये सब बचपन में आप पढ़ के आ रहे हैं। तो ये हो गया आयोटा पाई बाई फोर, कॉस पाई बाई फोर का वैल्यू वन बाई रूट टू, इसका वैल्यू भी वन बाई रूट टू, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पहला टर्म हो जाएगा आयोटा पाई बाई फोर रूट टू, और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर पाई बाई फोर रूट टू। अब जब आयोटा रूट ऑफ माइनस वन होता है तो आयोटा स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, तो रीवेरीफाई करने के बाद ये चीज जो हम सिंप्लीफाई या सॉल्व करने निकले थे उसका वैल्यू आयोटा पाई बाय फोर रूट टू आयोटा स्क्वायर माइनस वन माइनस पाई बाय फोर। अगर हम जैसा कि क्वेश्चन में भी उन्होंने कुछ हिंट दिया था कि पाई बाय फोर रूट टू को अगर अल्फा ले लें तो रूट आयोटा लॉग ऑफ रूट आयोटा को हम आयोटा अल्फा माइनस अल्फा लिख सकते हैं। बस हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था रूट आयोटा का पावर रूट आयोटा। इक्वेशन नंबर वन पे वापस जाओगे तो ये था e के पावर में रूट आयोटा लॉग रूट आयोटा सिंप्लीफाई करने के बाद। और रूट आयोटा लॉग रूट आयोटा सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ ऐसा आया, तो e के पावर में ये चीज, इसे अगर सिंप्लीफाई करें तो हमें पता है कि a पावर m इंटू ए एम प्लस एन अगर हो ए पावर एम प्लस वन, तो इसको ए पावर एम इंटू ए पावर एन लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ई पावर आयोटा अल्फा इंटू ई पावर माइनस अल्फा, ठीक है। तो अब ये है रूट आयोटा का पावर रूट आयोटा। तो ये चीज निकालना क्या था हमें, e पावर माइनस अल्फा सिस अल्फा, ठीक है। e पावर माइनस अल्फा सामने लिख लेते हैं, e पावर आयोटा थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा दैट इज कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स को सिस एक्स लिखते हैं, इसको क्या हम सिस अल्फा लिख सकते हैं। बस हो गया मेरा काम, रूट आयोटा का पावर रूट आयोटा को कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब ये अल्फा आपका दिया हुआ है तो आप लिख देंगे यहां पे ध्यान से कि वेयर अल्फा इक्वल्स टू पाई बाय फोर रूट। अब देखिए क्या होगा, कोई अगर आपको बोले कि रियल पार्ट निकालना है, रियल पार्ट ई पावर माइनस अल्फा को इससे मल्टीप्लाई करने से आएगा, कोई बोले इमेजिनरी पार्ट बताओ इसका, तो वो आएगा e पावर माइनस अल्फा को आयोटा वाले से, आयोटा वाले टर्म जहां भी हो वो इमेजिनरी पार्ट और जहां नहीं हो वो रियल पार्ट। तो ठीक है, हमने कर लिया ये क्वेश्चन, ज्यादा लेंथी था, मुश्किल नहीं था, कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई अगर यूज कराना चाहे बेसिक का तो वो क्वेश्चन ये आपके सामने फेंकेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को ध्यान से पढ़ा है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो नहीं किए कॉम्प्लेक्स नंबर पे, लेकिन अब कोशिश होगा कि इस एरिया पे भी ध्यान दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर।